गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन रोल। चिकन रोल के लिए मैंने मैदा, आटा, नमक एंड वेजिटेबल ऑयल यूज़ की है। इन सारी सामग्री को मैं एक साथ मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से इन हाथों से। फिर ये डो बन के रेडी हो गई है। फिर मैंने चिकन ली है 2.5 किलो। इसे डो कर मैं कुकर में 2 सीटी तक ही रखूँगी और नमक भी इसमें ऐड की है। फिर ये 2 सीटी के बाद ये बनके रेडी हो गई है। तब तक मैं ये प्याज, लहसुन, ये सब सामग्री को मैं चॉपिंग करके रेडी कर लूँगी अच्छी तरह से, बारीक बारीक काट के। इसे अच्छी तरह से चॉपिंग करनी है इस तरह से, इससे जल्दी चिकन बनके रेडी हो जाएंगे। फिर ये चिकन को मैंने पहले हाथों से पूरा तोड़ कर रेडी करके रखी हुई है। फिर ये तवा पे तेल गरम हुई है तो ये सब सारा ऐड कर लूँगी मैं, प्याज और ये जो पेस्ट मैंने बनाई है लहसुन अदरक की। और इस पे जाएंगे ये हल्दी, नमक, नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा, और ये गरम मसाला। फिर ये लाल मिर्च, ये सारा एक साथ मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसे 2-3 मिनट तक पकने के बाद मैं ये टमाटर ऐड कर लूँगी। टमाटर को भी अच्छी तरह से मैं ये मिक्स कर लूँगी। फिर मैंने ये जो चिकन, जो उबला हुआ चिकन है, इसे मैं अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स करके इसमें मीट मसाला भी ऐड की है एंड मैगी मसाला। इसे स्वाद बहुत अच्छी तरह आती है एंड सोया सॉस भी ऐड की है। सोया सॉस ज़्यादा नहीं ऐड करनी है। फिर ये मैंने केचप भी लगाई है इस पे। फिर ये सारा मैं एक साथ मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। इससे बहुत स्पाइसी बन जाएगा मेरा चिकन। और इस पे धनिया भी ऐड की है। फिर ये कच्ची मिर्ची ऐड की है, इससे अच्छा फ्लेवर आती है। तो मैंने इसमें रखी है 10 मिनट्स। तो ये ऑलमोस्ट पक के रेडी हो गई है। तो यस, अभी पक के रेडी हो गई। तो मैं गैस बंद कर लेती हूँ। तब तक मेरा जो रोटी डो बन के जो मैंने रखी हुई थी, इसे मैं अच्छी तरह से बेल लूँगी। अच्छी तरह से ऐसा बेलना है, इस तरह से अच्छी तरह से हम गोल गोल बेलेंगे। मैं ट्राई कर रही हूँ ये बेल के, अच्छी तरह से हम बेलेंगे। तो बेल के मैंने इतना तक अभी तक बेल के रेडी की है। तो तवे गर्म हो गई है तो मैं इस पर रोटी सेक लूँगी। रोटी को उलट पुलट करना है एंड इस पर मैंने देसी घी भी ऐड की है। आप हो सके तो वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर देसी घी से अच्छा स्वाद आता है। सो मैंने ये चिकन जो रेडी की है, ये सब मैं रोल कर लूँगी अच्छी तरह से। इसमें मैंने कच्ची हुई प्याज भी ऐड की है और धनिया भी ऐड की है। सो माय चिकन रोल इज़ रेडी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कुकिंग ब्लॉग। सो प्लीज़ गाइज एंजॉय माई कुकिंग ब्लॉग। So love you all. Take care. Bye bye.